गुड मॉर्निंग विद करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 4 अगस्त 2023। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.38। जैसे कि हम ये देखना चाहते थे, क्या डॉलर इंडेक्स आपका आरएसआई डेली चार्ट में इज इट टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 और तोड़ फोड़ के ऊपर चला जाता। कल एक वॉलिटिलिटी क्रिएट किया था जहाँ पे इट मूव हाई ऑफ 102.84, उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। कल का जो कैंडल है वो है एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, एंड उसके बाद अभी कल के लो के नीचे जाने का प्रयास है। कल का जो लो है 102.36, अभी है 102.3। दैट बीइंग द केस, यहां पे हमें कंफर्मेशन जरूरी है। ऑल्दो यहां पे आरएसआई जो है वो लग रहा है कि आपका रेजिस्टेंस ले चुका है, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से एक कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि डॉलर इंडेक्स अभी नीचे की तरफ आएगा। डॉलर रुपी कल यूएस मार्केट में काफी ऊपर जा चुका था 82.88, व्हेयर एज हमारा इंडियन मार्केट में ये जो क्लोजिंग था वो आपका 2.73 का क्लोजिंग था, एंड जो रेंज था वो 82.66 से 82.82 तक था। अभी फिर दोबारा ये 82.7374 में दिखा रहा। अभी हमारा जो देखने वाला चीज है वो है आपका ये जो ट्रेंड लाइन एरिया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस एक्चुअली आप अगर मेरा प्रीवियस एनालिसिस तो कभी जहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर रुपये 82.60 82.70 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां पे यूएस मार्केट में काफी ज्यादा चला गया। इवन हमारे इंडियन मार्केट में भी 82.82 तक ट्रेड हुआ था। दैट मीन द केस यहां पे जो प्राइस एक्शन हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एज फार एज द आरएसआई इज कंसर्न, A60 को फोर के काफी ऊपर चला गया है। यहां पे कुछ दिन हमें प्राइस एक्शन को देखना चाहिए फॉर कंफर्मेशंस। कंफर्मेशंस क्या चीज का कंफर्मेशंस, क्या मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने वाला हूँ, क्या मैं ये रेजिस्टेंस को इग्नोर करके मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ। ऐसे तो ट्रेडिशनली इनविजिबल हैंड्स आर देयर जो इस लेवल पे थोड़ा सा सेलिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। नीचे की तरफ आएगा तो कैच पकड़ने के लिए यानी बाई करने के लिए बैठे हुए हैं, एंड ऊपर की तरफ बेचने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन इनविजिबल हैंड्स का कोई गारंटी नहीं है, आप गला चौड़ा करके बता नहीं पाओगे कि वो लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। बाय करने के टाइम पे प्रेजेंट रहेंगे या बेचने के टाइम में प्रेजेंट रहेंगे, ये उन लोगों का जो डिस्क्रिशन है, उन लोगों का जो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जहाँ पे डॉलर रुपये को एक रेंज के अंदर में रखने के लिए वो चाहते हैं, उस रेंज उन लोगों का क्या डिसीजन में वो रेंज कहाँ पे आ रहा है, क्या ये 81, 80, 82 ऑन द लोअर साइड, 82, 78 ऑन द हायर साइड, या ये कुछ चेंजेस आ चुका है। वो जो चेंजेस है वो लोग तो आके ओपनली नहीं बोलेंगे कि हम लोग इस रेंज को हमने अभी प्ले अराउंड करेंगे, लेकिन हमें प्राइस डिसीजन, प्राइस को डिसिफर करना है, उसके बाद समझने का प्रयास करना है कि क्या नया कोई रेंज है या पुराना रेंज में ही ये चलता रहेगा। इसीलिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए प्राइस एक्शन को मॉनिटर करने के लिए। कल जीबीपी डॉलर पे बीओई का रेट डिसीजन था जहाँ पे क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया है, और इस पार्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टिंग 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक, लेकिन हुआ नहीं है। एंड उसके बाद एक पिन बार कैंडल बनाया हुआ है। ये जो पिन बार है बहुत ही खतरनाक टाइप ऑफ कैंडल है, स्पेशली व्हेन आफ्टर ए डाउन ट्रेंड या आफ्टर ए अप ट्रेंड बनाते हैं। तो ये आपका डाउन ट्रेंड के लो पे बनाया हुआ है, एंड ऑल्सो एट प्रीवियस सपोर्ट लेवल। ये जो 30 जून का लो था वो एक सपोर्ट था, उसके बाद उसी जगह पे ये पिन बार बनाया। दैट मीन दैट इज इसके हाई के ऊपर, इसका हाई जो है 1.2728, इसके हाई के ऊपर ग्रेजुअली ये ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। जाएगा बोल के नहीं बताएंगे, लेकिन जाने का प्रयास कर सकता है। उसके लिए हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन चाहिए? यहाँ पे आज एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, पहले ग्रीन कैंडल पे हम इसको बाय नहीं करेंगे, उसके बाद एक रेड कैंडल आने का टाइम देना है, एंड उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम बाइंग का लिए प्रयास करेंगे। सो अभी प्राइस कंफर्मेशन हमें इंतजार करना पड़ेगा। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर पे भी एक पिन बार बनाया हुआ है एट प्रीवियस सपोर्ट लेवल, सो यहाँ पे ग्रेजुअली ये ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। बट आरएसआई जो है, आरएसआई आपका एट 51, सो साइडवाइज, दैट मीन्स डेली टाइम फ्रेम पे जीबीपी आईएनआर ये ब्रॉडर रेंज के अंदर में साइडवेज मूव करना चाहिए। यूरो डॉलर अभी है 1.095, कल भी एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है, बट नॉट एट एग्जैक्टली एट सपोर्ट लेवल जो था आपका 1.050, बट एट लोअर लेवल्स। तो अभी हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखना चाहिए, उसके बाद हम कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है या नहीं। बट आरएसआई टर्म्स में ये since it is trying to take support, it's 40, not exactly at 40, but near to the 40. So हमें अभी थोड़ा price action का जरूरी है confirmations का, before telling that euro dollar may move higher. Euro INR, यहाँ पर भी consolidations जारी है, RSI terms में भी sideways है 40-60 के बीच में, so ये जो एक range बना हुआ है, आप खुद भी देख सकते हो कौन सा रेंज है आपका, ऊपर की तरफ आपका 91 एंड नीचे की तरफ 90, इसी रेंज के अंदर में साइडवेज मूव कर रहा है। इसको साइडवेज मूव करने देते हैं, एक बार ब्रेकआउट करेगा, ऑन व्हिच डायरेक्शन वी नीड टू चेक, उसके बाद ही हम एक ट्रेंडिंग व्यू बना पाएंगे। डॉलर येन, जैसे कि हमारा ये देखना था कि क्या ये आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं, यहाँ पे ये एज ऑफ नाउ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन नीचे आने के लिए हमें प्राइस एक्शन का जरूरी है। क्या प्राइस एक्शन हमें चाहिए? हमें आज या नेक्स्ट वीक आने वाले एक दिन में एक बुलिश कैंडल चाहिए, छोटा बुलिश कैंडल, बड़ा बुलिश कैंडल, बट एक ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए। उस
ग्रीन कलर के कैंडल के लो के नीचे हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। समथिंग लाइक दिस, ए ग्रीन कैंडल, चाहिए मींस बड़ा ग्रीन कैंडल हो, छोटा ग्रीन कैंडल हो, पतला हो, मोटा हो, स्पिनिंग टॉप हो, डोजी हो, कुछ भी टाइप का कैंडल हो, लेकिन एक ग्रीन कलर का कैंडल हो, उसके बाद उसके लो के नीचे एक सेलिंग के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। एन आयनर ये भी 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर भी दो ग्रीन कैंडल आया है। अभी हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल का प्रयास हो इंतजार करेंगे, जैसे कि आपका इस टाइप का एक रेड कैंडल, जो चाहिए छोटा रेड कैंडल हो या डोजी टाइप ऑफ करंट कैंडल जो है उस टाइप का करंट कैंडल हो या कुछ भी हो, बट रेड इन कलर होना चाहिए। उसके बाद उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर जैसे चलना चालू करेगा एक बाइंग इंडिकेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद डॉलर कैंडी में आपका जो नीचे का रेंज से ये बाहर आके अभी आरएसएस 60 के ऊपर बैठा, यहाँ पे जितना टाइम पास करेगा उतना ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जो एक रेजिस्टेंस जोन है 1.34 का, उस जोन को तोड़ने के लिए ये तैयारी कर। ये नहीं बोलेंगे कि तोड़ के ऊपर चला जाएगा, बट प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। जितना टाइम पास करेगा, जितना कंसोलिडेट करेगा, उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा ये तोड़ने के लिए। हमें थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए बिफोर गेटिंग ए ट्रेंडेड मूव एज फार एज डॉलर के डी इज कंसर्न्ड। ऑसी डॉलर पे ये एक परसों के दिन यानी 2 अगस्त को ब्रेकडाउन किया था। कौन सा ब्रेकडाउन किया था? ये आपका ब्रेकडाउन जो किया था, ये आपका जो रेंज है कौन सा, ऊपर की तरफ 60, नीचे की तरफ 6550, उस रेंज को ब्रेकडाउन करके नीचे आया। अभी यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन का पॉसिबिलिटीज हो रहा है। क्या है फॉल्स ब्रेकडाउन? रिसेंटली 2 दिन पहले हमने डॉलर पे रिलेटेड एक फॉल्स ब्रेकडाउन का एक वीडियो बनाया, स्पेशल वीडियो बनाया, उसको आप गो थ्रू करने से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए कैंडल में, यहाँ पे हमें चाहिए एक ग्रीन कैंडल जो इस रेंज के अंदर में जाके क्लोज देगा, समथिंग लाइक दिस, ये अंदर में जाके क्लोज देगा। इन सच केस उसके हाई के ऊपर हम बाई के लिए प्रयास कर सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेगा फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स अदर एंड ऑफ द रेंज, अदर एंड ऑफ द रेंज 0.68। क्या ये इस टाइप का कैंडल बनेगा, हमें देखना है। उसके बाद हम आते हैं CNH 7.1675। ये कल थोड़ा सा PPOC का इंटरवेंशन लग रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा है। RSI भी एक साइडवाइज मूव करने का प्रयास कर रहा है। एज ऑफ नाउ एक रेंज बन चुका है 7.1150 ऑन द लोअर साइड एंड आपका 7.22 ऑन द हायर साइड। इस रेंज के अंदर में इसको खेलने देते हैं। बाय दैट टाइम जब तक ये इस रेंज में खेलेगा, तब तक चाइनीज इकोनॉमी रिलेटेड जो वीकनेसेस है या फ्रेश स्ट्रेंथ मार्केट में आने वाले हैं वो क्लैरिटी बन जाएगा। एंड जैसे जैसे स्ट्रेंथ आए या वीकनेस आए, उसके बाद एक आइदर साइड डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा, जो ब्रेकआउट आपको CNH को आइदर अप्रिशिएट करेगा इफ इट इज स्ट्रेंथ इन चाइनीज इकोनॉमी, और इट विल डेप्रिशिएट इफ देयर इज फर्दर वीकनेसेस इन चाइनीज इकोनॉमी। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर आपका क्रूड ऑयल दैट इज द यूके ऑयल इन दिस केस कल एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया। ये जो बाउंस बैक है बहुत ही तगड़ा है। क्यों तगड़ा है? प्रीवियस कैंडल को ऑलमोस्ट 80-90% रिकवर कर चुका है। अभी ये जो कल का लो है इसके नीचे आज या आने वाले दिनों में अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, इन सच केस क्रूड ऑयल में हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा वाला है परसों का जो हाई है, उसके हाई के ऊपर अगर प्राइस जाना चालू करे तो ये कंटिन्यूएशन है। यानी हम यहाँ पे दोनों टाई साइड के मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन इसके लो के नीचे जाएगा तो हम ऊपर के लिए खेलेंगे नहीं, सेल ऑफ देख लेंगे। लेकिन नीचे तोड़ने से पहले अगर ऊपर 2nd अगस्त का हाई को तोड़ देता है ऊपर की तरफ, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंटिन्यूएशन। सो यहां पे हम दोनों साइड ट्रेड करने के लिए तैयार है। अभी 2nd अगस्त का हाई को पहले तोड़ेगा या 3rd अगस्त के लो को पहले तोड़ेगा, इसका हमें इंतजार रहेगा। यूएस टेनर ट्रेजरी रिसेंट जो स्विंग हाई है उसको तोड़ के ऊपर चला गया है। अभी है आपका 4.165, काफी तेजी यहाँ पे दिख रहा है। तो प्राइस को भी ये नहीं बताएंगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन अभी हमारा जो रिसेंट स्विंग हाई है कब है, ये आपका October 22, वो जो रिसेंट स्विंग हाई है उसके तरफ जाने का तैयारी कर रहा है। लेकिन उसमें दो हर्डल्स है, एक हर्डल ये हो गया 4.25 का, और आपका ये एक हो गया जो क्लोजिंग था, ये कौन सा वीक का क्लोजिंग था, आपका 7 नवंबर वीक का क्लोजिंग था। अभी क्या ये जो हर्डल्स, दो हर्डल्स है, कौन सा हर्डल है आपका 4.17 एंड 4.25, ये दो हर्डल्स है, क्या वीकली चार्ट पे इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या टाइम पास करता है, ये हमें मॉनिटर करना है। US 2 year treasury अभी आपका 4.97, इसमें ज्यादा कुछ तेजी दिख नहीं रहा है, whereas 10 year में अच्छा खासा तेजी दिख रहा है। देखने वाला चीज the difference between 2 year and 10 year अभी है -73 basis points का, जो बीच में 108 तक चला गया। तो ये एक अच्छा चीज है, the difference between the two negative जो difference है वो कम हो रहा है, but हमें और भी थोड़ा देखना है क्या चेंजेस हो रहा है। फिच ने डाउनग्रेड किया, उसके बाद आपका परसों का आपका प्राइवेट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा था, कल जॉबलेस क्लेम्स था, एंड आज वापो वॉल डेटा दैट इज NFPL डेटा, US NFPL डेटा के लिए बाजार इंतजार कर रहा है। उसके डेटा के बाद क्या ये
इस दो रेजिस्टेंस को तोड़ फोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा या यहीं से फिर दोबारा नीचे आने का प्रयास करेगा, ये हमें देखना। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। आल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।